पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, पूर्व मंत्री इसलिए कि सरकार गिरी और ईडी के समक्ष आकर के इनके नेताओं को आना पड़ा, साथ में इनको भी आना पड़ा। क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आने की सर? जरूरत क्या पड़ गई ये सब लोग जानते हैं, राज्य और देश की जनता जानती है कि जितने लोग इन विपक्ष के नेता हैं तमाम लोगों को इसी तरीके से ईडी और सीबीआई का भय दिखाया जाता है। और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये तो बहुत पहले से होती आ रही है। और हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी बोलते रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के गिदर भपकी से हमारा नेता डरने वाला भी नहीं। नीतीश जी चले गए, क्या मलाल है, मंत्री पद भी चला गया? देखिए उससे नहीं है, हम लोग तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, हम लोगों को इससे कोई मलाल नहीं है। हम लोग जिस विचारधारा को लेकर के जीवन में आगे बढ़ने का काम किए हैं उस विचारधारा के साथ खड़े हैं। कोई आया था, हम लोग किसी को बुलाने नहीं गए थे, और चले भी गए तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। हम लोग जनता देख रही है, हम जनता की अदालत में जाएंगे। नीतीश जी फिर आएंगे, स्वागत किया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा? हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे, जनता देख रही है, अब हम लोग जनता के अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट जी, और दोनों का कैसा जोड़ी देख रहे हैं आप? अब तो जो है अब उनको ना समझना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अभी क्या चल रहा था, फिर कैसे अगल बगल में बैठाएंगे, कैसे उनको ना अब सोचना है, इसमें हम लोगों को क्या है। वो कहे थे कि मतलब जब तक नीतीश जी को हराएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब उनसे जाकर के पूछिए, उनसे जाकर के पूछिए, इसका जवाब तो वही देंगे। कल लालू प्रसाद यादव भी यहाँ आए थे सर, लालू प्रसाद यादव ईडी? हाँ, वो तो जब चुनाव आएगा तब तो ईडी सक्रिय हो जाती है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है देश में, हिटलर शाही चल रहा है, तमाम लोग जानते हैं। आखिर क्यों आना पड़ गया सर नीतीश जी को राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के बीजेपी में? अब उनसे जाके पूछिए वो क्यों चले गए। चलिए, तो ये हमारे साथ इसराइल मंसूरी साहब थे जो कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री थे। अब देखिए इस तरह की स्थिति है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो कल जिसको हम मंत्री कहते थे अब पूर्व मंत्री कहना पड़ रहा है, और जो तमाम उनके जो चाहने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, वो देखिए ईडी के समक्ष, जो ईडी ने तेजस्वी यादव को बुलाया है उनके समक्ष आए हैं और इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव की विचारधाराओं के साथ हैं। देखिए चाहे वो पूर्व मंत्री रहे हो या ये वर्तमान में जो विधायक हो, तमाम इस बात को साबित कर रहे हैं कि हम जो कानून व्यवस्था चल रही है तमाम को हम फॉलो करेंगे, और ईडी बोला या सीबीआई बोला तमाम के समक्ष हम जाएंगे। और देखिए जिस तरह से कल लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया सीबीआई के द्वारा, तो ईडी के द्वारा ठीक उसी तरह से आज तेजस्वी यादव भी ईडी कार्यालय के समक्ष आए हैं और अपने तमाम समर्थक गण उनके जो थे वो सब आए हैं और इस बात को दर्शा रहे हैं कि जो स्थिति बरकरार हो रही है बिहार में उसे कहीं ना कहीं शांति किया जाए, उन्हें उसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। देखिए जिस तरह की चीज़ें आप देखिए, किस तरह से सरकार गिरती है और सरकार फिर बनती है, और इस बात को दर्शाया जा रहा है कि जो एक तरफ आप देख पा रहे होंगे नीतीश जी लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं।